Hello everyone, welcome. So today we will start our new chapter which is called the pericyclic reactions. Pericyclic reaction बहुत ही ज़्यादा important chapter है और अगर आपको organic का थोड़ा सा भी idea ना हो फिर भी आप ये chapter कर सकते हो क्योंकि chapter बहुत easy होता है और बहुत ज़्यादा scoring भी होता है. ठीक है, तो pericyclic reaction करने से पहले हमें पता होना चाहिए pericyclic reaction होता क्या. देखो pericyclic reaction होता है दो words से बना होता है, peri and the cyclic words. ठीक है, peri means क्या होता है, peri means होता है around. ठीक है, एंड साइक्लिक मीन्स क्या हो गया, साइकिल लगा लो या फिर रिंग लगा लो. मीन्स इसमें क्या होता है, जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या पढ़ रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही पढ़ रहे होते हैं. जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है वो भी यही होता है. क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द रिंग, मतलब रिंग के अंदर बोल दो आप, ये रिंग है हमारा, इसके अंदर ही मूवमेंट होती रहती है इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस. तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस करने से पहले मतलब होता क्या है वो समझाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, उसका आंसर देना मेरे को. देखो मैंने आपको ये दिया है, ठीक है, और मैं आपको बोल रही हूँ कि जो अपना प्रोडक्ट है ना वो ये बन रहा है, तो आप ये कैसे बना सकते हो. मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये हमारी रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप कैसे बना सकते हो. देखो आपके पास दो मेथड है, आप क्या करते हो, या तो आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बना देते हो. कैसे, फिशहेड एरर से इसको ब्रेक करोगे, 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 इसको. फिशहेड एरर आपको पता होगा कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया होता है इन्होंने, तो ये कैसे बनेगा. देखो यहाँ पे ये ऐसे कैसे बना देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया. ठीक है, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, फिर एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया. अब आप क्या करोगे, इन दोनों को अटैच कर दोगे. ठीक है, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे. इस ज्वाइन करने से जो आपको मतलब बनता है वो ये बनता है, और ये मैकेनिज्म आपको कैसे है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ है आपका. आपने क्या किया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अडॉप्ट किया, और जिसमें इंटरमीडिएट बना था, मतलब आपका इंटरमीडिएट जो बन रहा था ये क्या था, फ्री रेडिकल बन रहा था. तो हमें क्या बोलेंगे, आप क्या बन रहे हैं, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बन रहा है आपका. एक मेथड आपका ये है इसको प्रिपेयर करने का, और जो दूसरा मेथड है उसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें तुम्हें फिश हेड एरो लिए थे, मतलब होमोलिटिक क्लीवेज करा था, अब आप हेट्रोलिटिक क्लीवेज करा दो. देखो इसको आप ऐसे ब्रेक कर दो नेगेटिव को, फिर इसको ऐसे ब्रेक कर दो, और इसको ऐसे ब्रेक कर दो, और इसको ऐसे ब्रेक कर दो. तो जो ये बनता है इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा, मेरे पास देखो ऐसे बनेगा, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ नेगेटिव, और फिर अगर ये इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पेगा पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये ऐसे ब्रेक कर रहा है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. फिर यहाँ पे ऐसे ब्रेक करेंगे तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको ब्रेक करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पर, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, और ये वाला जो इसकी वजह से बना था ये पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे तो ये बन जाएगा. और ये जो हमारे पास बना है ये क्या बना है, हमारे पास क्या बने, रेडिकल्स बने हैं ना, मतलब कैटायंस बने हैं. तो इसको हम बोलेंगे मतलब क्या है, ये भी इंटरमीडिएट हो गया एक तरह से, कार्बन एंड कार्बन कैटायन बन गए. लेकिन जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता है इसमें से इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता. तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता क्या है, वो रिएक्शन होते हैं जिनमें हमारे जो इंटरमीडिएट्स है ना वो फॉर्म नहीं होते. तो मतलब ये जो रिएक्शन होता है ना ये नो इंटरमीडिएट होता है, नो इंटरमीडिएट रिएक्शन, इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता. इसमें हमारे पास क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है हमारे पास, और जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो कैसी होती है, साइक्लिक होती है. तो इसमें हमारे पास क्या बनती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है. तो इस इनमें होता क्या है, हमारे पास कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है इनका. कंसर्टेड मैकेनिज्म मतलब कंसर्टेड होता है कि, या मतलब होता है जो बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन है वो दोनों इकट्ठी होगी, मतलब टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, हम ये बोल सकते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन है और बॉन्ड ब्रेकिंग है वो टेक प्लेस साइमल्टेनियसली हो रही है. तो इसको हम बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म. तो इसका जो मैकेनिज्म होता है ना ये कंसर्टेड होता है. ठीक है, अब पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, वो होता क्या क्या है. देखो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है, इसमें फर्स्ट देखते हैं कि मैं आपको बता दें कंसर्टेड स्टेप होता है. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो है हमारा है वो क्या है, कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि साइक्लिक शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग इकट्ठी होती है, और वो कैसे होता है, साइक्लिक होता है. ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट हमारा है कि इसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, ये भी मैं आपको बता चुकी ऊपर. ठीक है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता. थर्ड क्या है, इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो मैंने आपको बता दिया. फोर्थ पॉइंट क्या है, इसमें अगर हम सॉल्वेंट की प्योरिटी को चेंज करते हैं तो उसको इस रिएक्शन इन रिएक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन सॉल्वेंट पोलैरिटी. अगर हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी को इंक्रीज डिक्रीज कैसे भी कर देते हैं तो इंडक्शन का कोई भी असर नहीं होता. फिफ्थ पॉइंट क्या है, जैसे बाकी जितने भी हमारे रिएक्शन होते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं, या तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, या फिर हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, बट इसमें कुछ भी नहीं होता, मतलब नो न्यूक्लियोफिलिक बोल सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक बोल सकते हो, या
क्या बोल सकते हो, एलिमिनेशन रिएक्शन या सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, मतलब इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, नॉट टेक प्लेस। जो हमारा सिक्स पॉइंट है वो क्या है, ये किसकी प्रेजेंस में, अगर नो रिएजेंट्स आर यूज, अगर आपको रिएजेंट्स का थोड़ा भी आइडिया नहीं है तब भी आप ये रिएक्शन कर सकते हो, सबसे अच्छी बात है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की, ठीक है। अब रिएजेंट्स तो यूज होने दे, तो रिएक्शन कैसी होगी, तो रिएक्शन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है हीट की, जिसको हम एसिड डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं हम इसको, हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी या फिर हम फोटोकेमिकल एनर्जी से डिनोट करते हैं, जो थर्मल एनर्जी और फोटोकेमिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं, इनकी प्रेजेंस होती है हमारी क्या, फोटोसाइक्लिक रिएक्शंस। एट पॉइंट हमारा है कि जो ये मतलब जो हीट और लाइट के प्रेजेंस में हो रही है जो भी हमारी फोटो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है वो क्या देंगी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स देगी, मतलब इस कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट देगी और अगर हम इस कंडीशन में बनाएंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स देगी अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है, अंडर डिफरेंट कंडीशंस में वो क्या देगी, डिफरेंट प्रोडक्ट दे रही है। और जो हमारा नाइन्थ पॉइंट है वो हमारा क्या है, जो रिएक्शंस है वो क्या है, वो है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस है। स्टीरियो स्पेसिफिक ने आपको बताया वो पहले भी कि एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है मेजर, ठीक है, और एक मतलब दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, उसमें से एक प्रोडक्ट होता है जो मेजर फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक, मतलब हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वही बनता है स्पेशल, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो कि इससे रिलेटेड होती है, जिसमें हम एफएमओ के बारे में पढ़ते हैं, होमोल्यूमी के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।